दोस्तों इस पूरी धरती पर सांपों की कुल 2500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 500 प्रजातियां सबसे ज़्यादा जहरीली होती हैं। उन 500 प्रजातियों में से 10 सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे लिस्ट पर 10वें नंबर पर जो सांप है उसका नाम है ताइपन। यह सांप ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। इसके एक बार के जहर से 1200 पिग्स की जान जा सकती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। अफ्रीकन ब्लैक मांबा की तरह एंटी वेनम बनने से पूर्व इसका काटा हुआ इंसान बच नहीं पाता था। इसके द्वारा काटे जाने के एक घंटे बाद ही इंसान की मौत हो जाती है। 9वें नंबर पर आता है ब्लैक मांबा। यह सांप पूरे अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में सांपों द्वारा काटे जाने वाली मौतों में यह सांप सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला यह सांप होता है और इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इस सांप को खतरा महसूस होता है तो कम से कम 10 से 12 बार काटता है। एक बार में यह सांप 400 मिलीग्राम तक जहर उगलता है। यह स्नेक फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। इस सांप का 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान की मौत के लिए काफी है। इस सांप के काटने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में किसी सांप द्वारा काटे जाने पर अस्पताल में पहुंचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट दिया जाता है। 8वें नंबर पर आता है टाइगर स्नेक। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर उगलता है। इसके द्वारा काटे जाने के 30 से 40 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटी वेनम बनने से पहले इसके काटने जाने से मरने वालों का प्रतिशत 70% था। यह इंसानों के लिए डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है। इंसान देखते ही टाइगर स्नेक भागने की कोशिश करता है। अगर यह किसी कोने में छुपा हुआ है और खतरा महसूस होने पर इसे भागने की जगह नहीं मिल रही तो ही यह सांप इंसानों को काटता है। 7वें नंबर पर है फिलिपिन कोबरा। यह सांप अपने शिकार पर दूर से जहर छिड़कता है। 3 मीटर दूर से ही यह सांप अपने शिकार पर जहर थूकता है। यह बहुत ही अधिक मात्रा में एक बार में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके द्वारा काटे जाने पर श्वसन तंत्र पर इसका इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है। इसका जहर तुरंत अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और नतीजा होता है हार्ट अटैक। आधे घंटे के अंदर इंसान की मौत होती है। 6वें नंबर पर आता है सॉ स्किल्ड वाइपर। यह सांप पूरे संसार में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह सांप भारत, चीन और साउथ एशिया में पाया जाता है। भारत में सांपों के काटे जाने पर सबसे ज्यादा मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार होता है। यह सांप अक्सर बारिश में शिकार के लिए निकलता है और इंसानों का दुश्मन बन जाता है। इसके द्वारा काटे जाने पर आधे घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। काटने वाले हिस्से में तेजी से खून बहने लगता है। पूरे बदन में जानलेवा दर्द होने लगता है। मसूड़ों में खून निकलने लगता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आ जाती है। खून की उल्टियां होने लगती है और फाइनली इंसान की मौत हो जाती है। 5वें नंबर पर आता है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुइना में पाया जाता है। यह सांप हाथ लगाकर दूसरे सांपों को खा जाता है। यह एक न्यूरोटॉक्सिक सांप होता है। यह सांप एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर अपने शिकार पर छोड़ता है। बहुत ही जहरीला होने के बाद भी यह सांप इंसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का बहुत ही देर बाद शरीर पर असर होता है। पूरी तरह शरीर पर असर होने में इसको 6 घंटे तक का समय लग जाता है, इसलिए एंटी वेनम इसके इलाज में काफी कारगर होता है। 4वें नंबर पर आता है रैटल स्नेक। रैटल स्नेक उत्तर अमेरिका का सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। इस सांप के पूंछ के पास छल्ले होते हैं। पूंछ हिलाने पर इसके छल्ले झुंझुने की तरह आवाज करते हैं, इसलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा हुआ है। यह सांप बहुत ही गुस्सैल होता है। इन सांपों के बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इससे ह्यूमन टिश्यूज खत्म होने लगते हैं। इसके द्वारा काटे जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। काटने के 10 से 15 मिनट के बाद एंटीडोट दिया जाए तो बचने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज मौत कंफर्म हो जाती है। 3रे नंबर पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत ही जहरीला होता है। इस सांप के जहर का 14,000वां हिस्सा भी मौत के लिए काफी होता है। यह सांप रिहायशी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी इंसान को मौत के घाट उतार देता है। इसकी चाल बेहद तेज होती है। यह सांप खतरा महसूस होने पर पीछा करके काटता है। इसके द्वारा काटे जाने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। 5 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। यह सांप अक्सर मूवमेंट होने पर ही एक्टिव होता है, इसलिए इस सांप का सामना होने पर हमें स्थिर रहना चाहिए। 2रे नंबर पर आता है इनलैंड ताइपान। यह सांप धरती का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। यह सांप एक बाइट में 100 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। इतने जहर से 100 से ज्यादा इंसानों की मौत हो सकती है। यह सांप रैटल की तुलना में 10 और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यह सांप इंसानों की आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों से सामना बहुत ही कम हो पाता है। अगर इंसानों से सामना होता भी है तो ज्यादातर केसों में यह इंसानों से बचने की कोशिश करता है। आज तक इस सांप द्वारा काटे जाने की एक भी खबर रिपोर्ट नहीं हुई है, इसलिए इसे संत सांप की भी उपाधि दी जाती है। पहले नंबर पर आता है बैचलर्स सी स्नेक।
यह सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना जाता है। इसकी कुछ मिलीग्राम बूंदें ही 1,000 इंसानों को मारने के लिए काफी होती हैं। यह सांप समुद्र में पाया जाता है। इसलिए इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं होता। केवल कुछ मछुआरे ही कभी कभी इस सांप का शिकार होते हैं। यह सांप अधिकतर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है। यह रेयरली कभी कभी किसी को काटता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।